हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट विद ममता में मैं ममता शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के लड्डू। आटे और शुद्ध देसी घी के बहुत ही स्वादिष्ट, मुलायम और हेल्दी लड्डू बनाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स आज हम जो बनाने जा रहे हैं ना आटे के लड्डू, तो उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने ये एक कटोरी में आटा लिया है, गेहूं का आटा। और ये थोड़ा मोटा आटा है, मतलब गोल आटा जिसको बोलते हैं। ये मैंने अलग से पिसवाया था थोड़ा सा। तो हम इसमें ये कढ़ाई रखी है गैस पे गर्म करने के लिए, और गर्म हो चुकी है। अब इसमें ये हम एक कटोरी गेहूं का आटा डाल देंगे, और साथ ही साथ ये हम एक चम्मच बेसन डाल देंगे। बस बेसन थोड़ा सा उसका टेस्ट चेंज करने के लिए है, और हम इसे डालेंगे तो इसका थोड़ा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मतलब। और एक तरफ मैंने ये आटा भुनने की कढ़ाई रख दी है, और एक तरफ मैंने ये 300 ग्राम करीब मावा लिया है और मैंने इसे भुनने के लिए रखा हुआ है। तो एक तरफ ये भुन रहा है और एक तरफ ये आटा भुनेगा। तो अभी हम इसको भूनते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनेंगे वरना ये जल जाएगा, और जलने के बाद फिर ये टेस्टलेस हो जाएगा। तो अब हम इसे भूनते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये आटा ना, बेसन जो मैंने आटा और बेसन मिला रखा है, ये भुनने लग गया है, और इसमें से सौंधी सौंधी सी जो भुनने की खुशबू आती है ना, वो आने लग गई है। और अभी हम इसको ऐसे ही बिल्कुल लो फ्लेम पे, इसको बिल्कुल भी मीडियम में भी नहीं लाएंगे, लो फ्लेम पे इस आटे को कंटिन्यू हाथ चलाएंगे, ऐसे ही भूनते रहेंगे। और एक तरफ से ये मेरा यहाँ पे मावा तैयार हो गया है भून के, आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम इसे गैस बंद कर देंगे यहाँ पे, और इसे हल्का सा फैला देंगे। भूनने के लिए आप हमेशा खुले बर्तन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये गिरने इधर उधर छिटकता है या गिरता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप ऐसे खुले बर्तन पे आप हमेशा इन्हें भूनिए। तो फ्रेंड्स अब आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल ब्राउन हो गया है, और आटा ये बहुत अच्छे से भून गया है। इसको भूनने में तकरीबन मुझे 15 मिनट लगे हैं, और मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे भूना है। अगर मैं इसको हाई कर देती और ऐसे ही छोड़ देती ना, तो ये सब जल जाता। तो अब हम इसमें यहाँ पे गैस को थोड़ी सी बंद कर देंगे 2 मिनट के लिए, और इसे रेगुलर चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई भी बहुत गर्म है, और छोड़ देंगे तो फिर ये तले लग जाएगा। और अब हम इसमें ये 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। ये घर का बना हुआ देसी घी है, अब हम इससे 2 बड़े चम्मच डालेंगे। ये देखिए, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख पा रहे होंगे ये इसे मिक्स हो रहा है आटा, और अच्छे से घी में मिक्स हो रहा है। और अब हम इसमें यहाँ पे एक उसी बाउल से जिससे हमने आटा लिया था, उसी एक बाउल से हम चीनी का गूरा डाल देंगे इसमें, और इसे अच्छे से फिर मिक्स करेंगे। आटा ये तकरीबन 1 पाव भर करीब था, या 300 ग्राम करीब होगा, और उतनी ही फिर मैंने चीनी भी डाली है नाप के उसी बाउल से। और इसी बीच हम ये मेरे पास ना इलायची पाउडर पिसा हुआ है, मैं इसको पीस के रखती हूँ। तो ये थोड़ा सा 1 टेबल स्पून करीब इलायची पाउडर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा लड्डू में से, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस मेरी बंद है, अब गैस को ओपन करने के लिए बोलेंगे, ऐसे हम बंद ही रखेंगे गैस को, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम जो हमने मावा उसका रखा है ना, इसे मिक्स करेंगे। मावा भून के रखा था, इसे डाल देंगे। और अब इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है,
और अभी हम इसे गर्म गर्म बांध भी नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। और सर्दियों में ये लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठंडे इलाकों में तो ये बहुत तवाई का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देख पा रहे होंगे ये बहुत अच्छे से मावा और चीनी, घी और ये जो बेसन और आटा है ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल बहुत प्रॉपर तरीके से मिक्स हो चुका है और कहीं पर भी इसमें गोल गोल गांठियां नहीं है। और अब हम इसमें अपने ये घर के बिल्कुल फाइन चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। ये ड्राई फ्रूट्स आप ऑप्शनल है, आपको जो पसंद हो आप उस तरह के ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया है, थोड़ा सा बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और पिस्ता लिया है और सबको मैंने चॉपर से फाइन चॉप किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये फाइन चॉप मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे घर में मम्मी पापा मेरे सास ससुर हैं तो वो प्रॉपर नहीं चबा पाते हैं इन चीज़ों को, ड्राई फ्रूट्स हार्ड होते हैं ना थोड़ा सा, तो मैंने उनके उससे मैंने कहा कि इस तरह से किया है कि वो आराम से इसे खा सकें। और ये थोड़ा सा है खरबूजे के बीज, बिल्कुल खरबूजे के बीज देख रहे होंगे, ये मैंने घर में निकाले हैं और कभी मैं दिखाऊंगी आपको जब मैं निकालूंगी कभी दोबारा से। तो ये डाल दिए हैं और ये किशमिश देखिए मैंने इसमें बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े किए हैं चाकू से ये, तो थोड़ा सा इसमें हम किशमिश डाल देंगे और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। A few moments later. और अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है ना, तो अब हम इसके इसके बाद लड्डू बांधेंगे। और इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है थोड़ा थोड़ा, जिससे कि हम लड्डू को बांधने में हमें आराम रहेगा क्योंकि बहुत गर्म होंगे तो हाथ भी जलेंगे ना। तो ये इतने गर्म है कि हम इसे आसानी से लड्डू बांध पाएंगे। तो अभी मैं आपको बांध के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम लड्डू बांधना शुरू करते हैं। तो उसके लिए आप मेज़रमेंट के लिए अगर आपको नहीं अंदाज़ आ रहा है तो एक इस तरह की स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये सर्विस स्पून है। तो अगर आपको इस तरह से लेना है कि आपके एक ही साइज़ के बने तो ऐसे लीजिए और इन लड्डुओं को इस तरह से आप ये देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं। आप लड्डू छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छे से बन गया है, जुड़ गया है और अभी जब ये घी जम जाएगा ना थोड़ा ठंडे हो जाएंगे ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। ये देखिए तो इसी तरह आप और लड्डू भी बनाते हैं, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ जब तक। A few moments later. So guys, आप देख सकते हैं मैंने ये लड्डू बना के तैयार कर दिए हैं और आप देखिए ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, यमी और बहुत मज़ेदार है। और सर्दियों में तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं क्योंकि आटे के बने हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, घर के बने सामान से हैं, शुद्ध हैं। तो फ्रेंड्स मेरे ये लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं, आप ये देख सकते हैं ये लड्डू ऐसे बने हैं ना, जैसे ही आप इन्हें खाएंगे ये मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाएंगे। और अब मैं अपने भगवान जी को भोग लगाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जब भी कुछ मीठा बनाती हूँ तो सबसे पहले अपने भगवान जी को मंदिर में जाके भोग लगा के आती हूँ। तो आप ये देखिए बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। सो गाइस आपको मैं एक ये लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अभी ये थोड़ा सा गर्म गर्म है ना, तो ये थोड़ी जल्दी टूट जाएगा। और ये देखिए इसके अंदर जो ये मावा भरा है और जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं ये इतने ज़्यादा स्वादिष्ट हैं, और जो मतलब जिनके दांत भी कमज़ोर हों, बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी इसको बहुत ईजीली खा सकते हैं क्योंकि इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना बिल्कुल फाइन चॉप करके डाले हुए हैं। तो ये है मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो गाइज अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।